दोस्तों नमस्कार, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से चैनल पर व्लॉग नहीं पड़ पा रहा है, उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि मैं कहीं ट्रैवलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज दरअसल घर से निकला हूँ और घर से ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आप शायद सोचेंगे कि यार ये कौन सी जगह हुआ है। दरअसल मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा गाँव है जहाँ पर सेक्स वर्कर रहते हैं, यानी कि लेडीज है, सेक्स का धंधा करती है। मैं उनकी ज़िंदगी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो इस धंधे में क्यों उतरी, उसके पीछे का कारण क्या है। और वो कई सालों से, यानी कि जब मैं बहुत छोटा था तब से उस गांव का नाम सुनता आया हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना उस गांव में जाया जाए, और अगर कोई कैमरे पर नहीं भी आएगी तब भी मैं उनके गाँव की स्टोरी जानने की कोशिश करूँगा, उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करूँगा और आप सभी को बताने वाला हूँ कि एक सेक्स वर्कर की लाइफ आखिरकार क्या होती है, कि हर पुरुष इसी के लिए आता है उनके पास, यानी कि फिज़िकल रिलेशन के लिए या और भी किसी चीज़ के लिए आता है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि दरअसल संडे के दिन वहाँ पर भयंकर भीड़ लगती है, ऐसा बताया जाता है कि तकरीबन लोग 100-100 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो चलिए हम भी आज वो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं कि उस गाँव का माहौल क्या होता है और कितना बड़ा गाँव है और कितनी लड़कियाँ, यानी कि जो सेक्स के धंधे में लिप्त है, सेक्स वर्कर के तौर पर काम करती है, वो कितनी हैं। और पूरा नज़ारा आज आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। कोशिश ये भी करूँगा कि किसी लेडी की जानकारी आप तक पहुँचाऊँ कि उसकी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, और अगर किसी ने नहीं दी तो मैं खुद उनके बारे में एक्सपीरियंस लूँगा कि उनकी ज़िंदगी क्या है क्या नहीं, और फिर आपको मेरे अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सफर शुरू करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं उस गांव के करीब जहां से रास्ता जाता है। आप मेरे पीछे ये शिलालेख देख सकते हो जहां पर लिखा हुआ है सलाई 2.5 किलोमीटर दूर, यानी कि मैं एक दूसरे गांव में खड़ा हूं। इस गांव से उस गांव की दूरी तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है। इस गांव के एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी है यहाँ के बारे में, लेकिन वो ऑन कैमरा बोलने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए कुछ खास डिटेल मैं आपको उनके बारे में नहीं दे पाऊँगा। लेकिन जो उन्होंने बताया है वो जानकारी बड़ी रोचक है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये दरअसल जो दिख रहा है ये एक दूसरा गांव है, इसका गांव का नाम है सराना, है ना। ये यहां पर बोर्ड लगा हुआ है, सराना गांव का बोर्ड लगा हुआ है। ये एक्चुअली सराना गांव है, और इस सराना गांव से होते हुए ये जो जाता है ये सलाई गांव जाता है, और सलाई गांव की जो दूरी है वो 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर के आसपास है। इसी गांव से एंट्री होते हुए दरअसल जो है वो गांव में अंदर जाती है, यहां से 2.5 किलोमीटर के बीच में वो सलाई गांव आता है। जो कुछ जानकारी मिली है वो दरअसल अभी पूरी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं इस गांव में जाने की, और वहीं पर जाकर ये जानेंगे कि आखिरकार क्या पूरा इतिहास है। अगर कोई जानकारी देने को राजी रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ लोगों से जो गांव में रहते हैं उनसे पूछने की कोशिश करें। तो चलिए यहां का सफ़र भी शुरू करते हैं। दोस्तों गांव के शुरुआत में सबसे पहले एक प्लेग्राउंड देखने को मिलता है जो पंचायत के द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हो लिखा हुआ है ग्रामीण खेल मैदान स्टेडियम सलाई, ग्राम पंचायत सराना, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश, क्रियान्वयन एजेंसी ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग राजगढ़। ये पूरा प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड लग रहा है अंदर से। वैसे अभी इसको अंदर झाड़ फूस उगा हुआ है, शायद हो सकता है कि खेल वेल शुरू नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी ये गांव के शुरुआत में सबसे पहले आपको जो है वो एक प्लेग्राउंड देखने को मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा अंदर जाकर और डिटेल में देखने की। ये आप देख सकते हो ये पूरा मतलब गेट लगा हुआ है, बहुत टाइट, शायद निकलेगा नहीं वो, लेकिन बढ़िया है, ये युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। अंदर लॉक है, अंदर जा नहीं सकते हैं, वैसे शायद तार वार से लगा हुआ है, लेकिन ये पूरा प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ा है। मैं आपको सड़क के किनारे से दिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर कितने प्लेयर यहाँ से निकले हैं, क्रिकेट खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, इसके बारे में मुझे कोई ख़ास डिटेल तो नहीं पता है। लेकिन दोस्तों हम गाँव के जस्ट अंदर घुसने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये स्कूल हैं, ये
प्राथमिक विद्यालय है, तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ क्लास फिफ्थ तक स्कूल है। दो भवन बने हुए हैं, एक भवन ये हैं और एक भवन ये हैं। आज संडे होने के चलते ये दोनों जो हैं वो बंद हैं। बाकी ठीक है, फिफ्थ क्लास तक है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो एजुकेशन मिलती होगी वो ओनली फिफ्थ क्लास तक ही मिलती होगी। और ऐसी भी जानकारी बताई जाती है कि तकरीबन यहाँ पर खूब से खूब 250 वोट हैं, यानी कि 250 वोटिंग के आसपास है। उन्हीं के चलते ये छोटा स्कूल है यहाँ पर, लेकिन जो 250 वोटिंग है उनके बच्चे अधिकांश जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आते हैं, बहुत कम यहाँ पर आते हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। और ये जस्ट ये है गांव के अंदर जाने का रास्ता है, ये आप देख सकते हो, ये गांव के अंदर जाने का रास्ता है। और जो है खासकर जो इनका मुख्य व्यवसाय है वो है भैंस पालन और खेती। तो ये गांव के अंदर का, यहाँ तक तो ये आपको सड़क दिख जाएगी थोड़ी सी, लेकिन एक दादा ने बताया कि अंदर बहुत कीचड़ है, मतलब लोगों को निकलना बहुत मुश्किल होता है ना, जैसे ये भैंसें आ रही है ना, तो उधर ऐसा बताता है बहुत कीचड़ है और गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। मतलब बच्चे इधर ये गुजर माहौल बताया जाता है कि गुजर लोग इधर रहते हैं। ये जो मैं रास्ता जा रहा हूँ, इधर गुजर कास्ट के लोग रहते हैं और जिन्हें काफ़ी ज़्यादा डेंजर बताया जाता है कि भैया उनसे बच के रहा जाए। लेकिन कीचड़ RCC जैसे लगता तो है, लेकिन कीचड़ बहुत है, मतलब इस रास्ते में ये रास्ता है पूरा। और ये पूरे गांव के घर हैं, मतलब आप देख सकते हो कच्चे घर भी है ना बाकी, और इधर तो कुछ नहीं है, ये पूरे मकान जैसा माहौल है। और मैंने बताया था कि मेन चीज़ भैंसे होती है, और भैंसे का ये एक तरफ जो है वो गुज्जर फैमिली है और एक साइड में दूसरी वो जो मैंने आपको बताया वो चीज़ है ना। लास्ट में खासकर ये मंदिर भी है गांव में एक इनका, और कोई है तो नहीं पर्सन या बताने वाला, लेकिन अधिकांश जो घर है वो कच्चे घर है। और स्कूल है वो फिफ्थ क्लास तक स्कूल है, ओनली 5 तक है। बच्चों को अगर 6th या 7th में पढ़ना है तो उन्हें फिर आउट ऑफ जाना पड़ता है ना, ये पूरी जानकारी है। अंदर तो घर आ गए हैं, बस यही इनके लास्ट कह सकते हैं कि मकान है, इसके बाद कुछ नहीं। ये पूरा गांव का नज़ारा ये देख सकते हो, ये गांव के हालत है। और हमारे साथ एक दादा है, क्या नाम दादा आपका? जसरत गुर्जर। जसरत गुर्जर दादा है, जिनके बारे में हमने खूब ये सुन रखा था कि बहुत खतरनाक लोग होते हैं, ऐसे नहीं है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और गांव की समस्या बताने वाले लोग हैं। मतलब आप प्रेम से बात करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे वो। ये आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पूरा कीचड़ का माहौल, आप देख सकते हो यहीं से निकल के जाना होता है और कीचड़ ही कीचड़ का रास्ता है पूरा, ये है ना, ये आप देख सकते हो, ये कीचड़ है पूरा ना। ये आप ये और आतरी की यार, इतनी गंदगी की बहुत सारी, ये गंदगी यहीं तक है। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? आपके घरों से ही तो आ रहा है ये भी पानी, आपके घरों से आ रही, नाली नहीं कट बंदी। अच्छा, ये पूरा मामला है। और कहाँ कीचड़ है? और नीचे तक कीचड़ कीचड़ ऐसे की। दोस्तों सॉरी, बहुत मेहनत की मैंने उस एरिया में जाने के लिए जहाँ पर सेक्स वर्कर धंधा करती, यानी कि लोग आते हैं, वेटिंग में लोग रहते हैं और पैसे देकर, यानी कि जो रेट रहता है 300, 350 रुपये, वो देकर जो सेक्स वर्कर है उनसे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। जब मैं उस एरिया में जाने लगा और अपना कैमरा मैंने ऑन किया तो 2-3 लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि आपको यहाँ पर कैमरा चलाना अलाउ नहीं है, आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि आप हमारी वीडियोग्राफी करें, आप हमारे फ़ोटो खींचे। इसलिए प्लीज़ उन लोगों ने कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं यहाँ पर कैमरा ना चलाए तो बेहतर है। तो अंततः मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि जब कोई मना कर रहा है कि हमारी वीडियोग्राफी ना की जाए, तो फिर मैंने उनकी बात मानकर कैमरे को ऑफ कर दिया और उनसे कुछ डिटेल जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कोई खास जानकारी तो नहीं बताई। यही बताई है कि दरअसल हाँ, हम लोग इस धंधे में उतरे हुए हैं और कई सालों से कर रहे हैं, हमारे बाप बूढ़ा भी इसी काम में खप गए हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसके बारे में सभी को पता है, प्रशासन भी जानता है, पुलिस भी जानती है, लेकिन हमारा अब ये धंधा बन चुका है। और आपको कहानी में आगे सुनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इतना ही बता दूं कि आपको दरअसल जिस मोहल्ले में गया था वो गुज्जर मोहल्ला था, वहाँ पर एक भाई साहब ने मुझे कुछ घुमाया, लेकिन उस मोहल्ले में वो नहीं लेके गए जहाँ पर सेक्स वर्कर रहती है। तो सेक्स वर्कर के मोहल्ले में आपको नहीं दिखा पाया, इसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, एक सेक्स वर्कर की कहानी आपको ज़रूर सुनाऊँगा।